तो इधर दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में 100 बंद पड़े बोरवेल को पुनर्जीवित करने को लेकर बड़ी पहल की है। ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फरीदाबाद जिले से ही इसकी शुरुआत होनी है। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के टेक्नोलॉजी टीम की मदद ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शहरवासियों को कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या होती है उसका निवारण हो जाएगा। मौके पर उन्होंने पहलवानों के आरोप पर कहा कि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं, मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही इस मौके पर जब उसे ई टेंडरिंग पर सवाल किया गया तो उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सांसदों को मिलने वाली ग्रांट भी टेंडर प्रक्रिया के जरिए ही खर्च होती है। अगर इसके बाद भी टेंडर प्रक्रिया में कोई दिक्कत लोगों को आती है, सरपंचों को आती है, तो बदलाव जरूर किया जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में समस्या का निवारण करने के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? पीछे हमने प्रयास करे कि कैसे वाटर कंजर्वेशन की और काम किया जाए। प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है जहाँ डार्क जोन एमिट हो वही माइक दे दीजिए। प्रदेश के अंदर कैसे बेहतर व्यवस्था बनाई जाए जो वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ जो हमारे एसेट्स डिप्लेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम रीस्टार्ट करें। एक पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू किया गया था जहां डेड बोरवेल्स को कैसे अलाइव किया जाए उस पे काम किया। हमने रोटरी के हमारे साथियों से चर्चा करी और इन्हीं साथियों ने फिर सहमति दी कि पायलट के तौर पर हरियाणा प्रदेश में पहला शहर फरीदाबाद को चुना जाए। और इसमें मैं कपूर साहब का भी और इनके साथ अग्रवाल साहब का भी धन्यवाद करता हूं जिनने रोटरी की तरफ से पूरा बहुत सारे मीडिया पर्सन नीचे खड़े हैं, सारे साथियों की बाइट्स बन जाएंगी नीचे से ना। एक बार अभी स्टार्ट कर दीजिए, चल रहा है। सहयोग इनका मिले कि आप इसको लार्ज स्केल पे टेकअप करें और आज से फरीदाबाद के 100 पहले प्राथमिक तौर पर और फिर प्रत्येक चाहे वो FMDA के हो, चाहे MCF के हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट के हो, डेड बोर्ड को उस टेक्नोलॉजी के तहत दोबारा रिवाइव करने का हम काम करेंगे। समस्या का निवारण करने